तो इस बार के फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल और अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के अंदर आईफोन 13 और आईफोन 14 आए थे लोएस्ट प्राइस पर, जहां पर आईफोन 13 आपको मिल रहा था सारे ही डिस्काउंट्स लगाने के बाद 39,999 का, और उसी के साथ साथ आईफोन 14 मिल रहा था 49,999 का। लेकिन ये प्राइसिंग जो थी वो थोड़ी देर के लिए ही आई थी, और आपको इसके अंदर एक्सचेंज ऑफर इंक्लूड करके ये प्राइसिंग दिखाई जा रही थी। बिना इस प्राइसिंग के भी आईफोन 14 आपको मिल रहा था स्टार्टिंग 52,999 का, ऑल्दो प्राइसिंग आगे जाके बढ़ गई थी, लेकिन लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस बार ऐसी धक्का मुक्की नहीं हुई। ऑल्दो प्राइसिंग जरूर बढ़ती गई, वहां पे इवन 57,000-58,000 तक भी प्राइसिंग चली गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफी सारे लोग रह गए जिनको सेल के बारे में अंदाजा नहीं था कि सेल कब आने वाली है, और काफी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने लोएस्ट प्राइसिंग पे परचेज करना मिस कर दिया था, उसके बाद वो आईफोन परचेज नहीं कर पाए। तो क्या दोबारा उन लोगों के पास ये मौका आएगा या फिर नहीं, डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वीट्यूब नेटवर्क, जहां पर हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो चलेगी तो लाइक जरूर करके जाना। तो देखो जो भी प्राइसिंग फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल अमेजोन की ग्रेट फेस्टिवल सेल के अंदर आई है, क्या ये प्राइसिंग दोबारा आएगी? तो इसका सिंपल सा आंसर होगा नहीं। ये प्राइसिंग साल की सबसे लोएस्ट प्राइसिंग होती है, इवन ऑफलाइन मार्केट भी इस प्राइसिंग का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन आपको इसके आसपास आईफोन 13, आईफोन 14, इवन 14 प्लस की प्राइसिंग भी देखने को मिलेगी, ऑफलाइन मार्केट में मिलेगी, और दोबारा फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर भी डील्स आएंगी। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं, एप्पल ने अनाउंस की थी अपनी 15 अक्टूबर को फेस्टिव ऑफर, वो बेसिकली कार्ड ऑफर्स ही थी, लेकिन यहाँ पे कार्ड ऑफर्स भी ज्यादा नहीं आई, जितना चलता आ रहा था उतना ही इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि इस आईफोन के ऊपर कितना डिस्काउंट है, इसके साथ साथ एयरपोर्ट्स और मैकबुक के ऊपर भी आपको कार्ड डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। स्टिल अगर आपको ये डील अच्छी लग रही है, क्योंकि एप्पल से डायरेक्ट परचेज करने का मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको, जो भी डर रहता है फोन नकली ना मिल जाए या फिर डैमेज पीस वगैरह ना मिल जाए, एप्पल से डायरेक्टली परचेज करना सबसे ज्यादा सही चीज होती है। तो अगर आपको ये प्राइसिंग सही लगती है कार्ड पर डिस्काउंट लगाने पे, तो इसको आप परचेज कर सकते हो डायरेक्टली एप्पल से ही, और लेकिन आपको इसके लिए कार्ड चाहिए होगा HDFC का मिलेनिया कार्ड। एप्पल प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको तगड़े डिस्काउंट्स मिलते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेज़न के ऊपर भी डील्स वगैरह मिल ही जाती हैं, तो HDFC का ये कार्ड आपके पास होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहां से आप डायरेक्टली लिंक को क्लिक करके घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हो इस कार्ड के लिए। तो वैसे ऐसे कोई बड़ी ऑफर तो नहीं आई जैसे इन्होंने एडवर्टाइज किया था, लास्ट ईयर के अंदर आया करती थी, लेकिन हाँ आपको कार्ड डिस्काउंट मिल जाते हैं, अगर परचेज करना है तो कर सकते हो। अदरवाइज कोई भी फ्री एयरपोर्ट्स वगैरह नहीं दिए गए जैसे पहले मिला करते थे। अब बात करते हैं कि जो लोएस्ट प्राइसिंग आई थी फ्लिपकार्ट की और अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के अंदर, उसके क्लोज आपको कहां पर प्राइसिंग मिलेगी? तो देखो फ्लिपकार्ट की ही बिग दिवाली सेल आने वाली है, उस सेल के अंदर आपको वही प्राइस तो नहीं मिलेगा, लेकिन 56,000-57,000 के आसपास आपको दोबारा से आईफोन 14 मिलने के चांसेस है, 1,500-2,000 का कार्ड डिस्काउंट भी मिल सकता है, लेकिन इसके अंदर मैंने कोई भी एक्सचेंज ऑफर को इंक्लूड नहीं किया। 500,000 ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, अभी कोई भी फ्लिपकार्ट की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई, लेकिन मैं पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए आपको ये बता रहा हूं कि ये सेल भी जल्दी आ जाए, और सेम इसके अंदर 10,000 आप ऐड कर दो तो 14 प्लस की प्राइसिंग भी लगभग इतनी ही जा सकती है, 66,000-67,000 के आसपास। और वही अगर हम बात करते हैं iPhone 13 की, तो आपको 46,000-47,000 के आसपास मिल सकता है Amazon की सेल के अंदर, लगभग प्राइसिंग इतनी ही होगी, इससे कम 500,000 हो सकती है, बट उतनी प्राइसिंग नहीं जाएगी जो कि बीबीडी सेल या फिर Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के अंदर प्राइसिंग गई थी। स्टिल इन प्राइसिंग में iPhones को परचेज करना काफी ज्यादा वर्थ रहेगा, और इन सेल के अंदर भी आपको बेस्ट प्राइसिंग पर अगर iPhone परचेज करने हैं तो आपके पास कार्ड होने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लिपकार्ट के अंदर। फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक कार्ड आपके पास होना चाहिए, साथ साथ ICICI और कोटक बैंक के कार्ड आपके पास होने चाहिए। ये तीनों कार्ड के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप इन कार्ड के लिए अप्लाई कर दो, अभी टाइम है। ये दिवाली सेल जो है वो लगभग दिवाली के 5 से 6 दिन पहले स्टार्ट होगी, तो अभी इन सेल को शुरू होने में टाइम है, अगर आपके पास इनमें से कोई भी कार्ड नहीं है तो आज इन कार्ड के लिए अप्लाई कर दो। इसके साथ साथ अमेज़न की सेल के अंदर अगर आपको परचेज करना है कोई भी आईफोन, तो वहां पे आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस कार्ड का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आज ही अप्लाई कर दो इन कार्ड्स के लिए। और इसके साथ साथ आपको दिवाली के आसपास ऑफलाइन मार्केट के अंदर भी आईफोन्स के ऊपर प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा, मतलब क्रोमा, आईसेंस, इमेजिन स्टोर, इनके ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर देखने को मिलेंगे। अगेन प्राइसिंग बीबीडी सेल वाली नहीं जाएगी, 58,000-60,000 के बीच में आपको आईफोन 14 मिल सकता है, लेकिन ऑफलाइन परचेज करने में भी आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि आपके सामने चीज होती है, साथ साथ आप पैसे देते हो और साथ साथ आपको चीज वो मिल जाती है, तो वो जो आपको दिक्कत रहती है कि ऑनलाइन कैसा प्रोडक्ट आएगा, ऑर्डर वगैरह कैंसिल होने की टेंशन नहीं होती, तो ऑफलाइन मार्केट का ये बेनिफिट जरूर होता है। प्राइसिंग जरूर उतनी नहीं जाएगी, लेकिन ये सारी रिस्क जो है वो दूर हो जाते हैं, तो 58,000-60,000 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो आप क्रोमा वगैरह प्राइस ड्रॉप करेंगे। वैसे कोई भी इससे रिलेटेड अपडेट आता है ऑफलाइन मार्केट या फिर ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेज़न के ऊपर प्राइस ड्रॉप होता है, सबसे पहले वीडियो आपको पता ही है कि यूट्यूब नेटवर्क पर आ जाती है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। बाकी कोई भी आपके डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी कंटेंट के साथ। Thanks for watching!